आप बोलो, आप चिल्लाओ तुम। चलिए हम लोग आईने के क्लोबेरियम में पीएच निकालना सीखे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए सारे लोग। साफ दिख रहा है आप लोगों को? ऑप्शन टू, बी ऑप्शन 2.7, सी 1.7, डी नॉन ऑफ दीज। अहमद कौन है? अहमद अहमद कौन है भाई? और इट्स मी कौन है भाई? मैं रिमूव कर दूंगा इट्स मी। इट्स मी के नाम से जो है वो अपना नाम बताएं। इट्स मी अपना पूरा नाम बताएं भाई। बशीर है, कहाँ थे भाई इतने दिनों से, कहाँ थे तुम? इट्स मी कौन है? इट्स मी कौन है? जल्दी नाम बताएं। इट्स मी के नाम से कौन है? अरे यार इसका आंसर दो ना, इसका आंसर कोई नहीं दे रहे हो। अच्छा साइमा, ओके। आवाज आ रही है ना मेरी सबको? वीडियो दिख रहा है सबको? चलिए यहां पर जो होगा कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर समझिए इसको। जब भी हेट्रोजीनियस मिक्सचर आपके पास रहे, एक मिनट मैं आपको दोबारा रिज्वाइन करता हूं, एक मिनट।
तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर के लिए अब देखिए आपको एम आर इज इक्वल टू याद रखना है एम वन वी वन माइनस एम टू वी टू मोडुलस बाई वी वन प्लस वी टू, ये याद रखिए आप। तो यहां पर देखिए एसिड और बेस है तो यहाँ माइनस करना पड़ेगा। देखिए एसिड का अमाउंट ज्यादा है वो पता चल जाएगा, इसलिए मैंने मोडुलस लिया है, हायर में से लोअर या ना भी पता चले आप देख लीजिए, लेकिन आपको देखना है कि ये नेट सॉल्यूशन एसिडिक है कि क्या है। तो सबसे अच्छा है कि आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एच प्लस निकाल लीजिए, मोलारिटी इनटू वॉल्यूम, तो 100 इनटू 0.1 इनटू 2 कितना हो जाएगा 20, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ओएच माइनस 100 इनटू 0.1 10। तो देखा ये गया कि एच प्लस की कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो एक तो ऐसे भी क्वेश्चन दे सकता है कि बताओ सॉल्यूशन का नेचर क्या है, तो सॉल्यूशन इज एसिडिक। अब सॉल्यूशन जब एसिडिक है तो आप एच प्लस इज इक्वल टू निकाल सकते हैं 20 माइनस 10 बाय 200, 10 बाय 200 0.05, तो पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 माइनस लॉग 5 प्लस 2 माइनस 0.7 प्लस 2 तो 1.3। सी ऑप्शन सबका आया था, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन सबका आया था भाई। अच्छा हाँ डी ऑप्शन आएगा। डी 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 ऑप्शन इज द करेक्ट। सबको समझ में आ गया ये वाला? चलिए अब देखिए बहुत सारे क्वेश्चन जो आते हैं, एक आते हैं दो मिनट बस पांच मिनट इसके बारे में पढ़ लीजिए, सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट केएसपी समझा, उसके बाद बफर और सॉल्ट हाइड्रोलिसिस हम आपको एनालाइज कराएंगे। सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट जो होता है सबसे पहली बात इट इज एप्लीकेबल फॉर स्प्रिंगली सोलोबल सॉल्ट के लिए एप्लीकेबल है। तो मान लीजिए कोई ए बी कोई सॉल्ट है आपके पास, ये सॉलिड है, ए प्लस और बी माइनस में ब्रेक हुआ, पहला काम आप ब्रेक करना सीखेंगे। केएसपी लिखने का तरीका ये है कि इसके आयंस का कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट लेंगे, बस ये है केएसपी लिखने का तरीका। ये भी एक तरह का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, लेकिन यहाँ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन वन होती है इसलिए लिखी नहीं जाती है, इससे ये फॉर्मूला बन गया कि केएसपी लिखने का तरीका यह है कि कंपाउंड को आयंस में ब्रेक करें उसके कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट लें। और ये एप्लीकेबल है फॉर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड का मतलब होता है जब बहुत ही कम सॉल्यूट डिसॉल्व हो, इक्विलिब्रियम। अब अगर इसकी सॉलिबिलिटी को एस कहें, इसकी सॉलिबिलिटी को एस कहें, तो इस तरह के क्वेश्चन हर साल आते हैं, तो केएसपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एस स्क्वायर। एक और मैं पढ़ा के समझाता हूं बाकी फिर आंसर देंगे। अगर ए टू बी कोई सॉल्ट है तो 2a प्लस प्लस बी टू माइनस, तो यहां पर जो आपके पास आएगा केएसपी इज इक्वल टू ए प्लस का होल स्क्वायर एंड बी टू माइनस। अब जो कोफिशियंट होगा पावर रेस, क्यों हमने पहले बोला केएसपी एक तरह का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखने का तरीका प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, और जब भी कोई कोफिशियंट होता है पावर रेस्ड होता है, हम रिएक्टेंट को नहीं लिख सकते, सॉलिड सॉल्ट हमेशा सॉलिड होगा। तो यहां जो लिखेंगे आप देखिए यहाँ 2a है तो 2s, और यहाँ क्या हो जाएगा s, तो केएसपी इज इक्वल टू हो जाएगा 2s का होल स्क्वायर इनटू s, तो यहाँ KSP इज इक्वल टू हो जाएगा 4SQ। बोलिए सब सारे लोग बताइए क्या यहाँ तक समझ में आया या नहीं आया?
प्लीज जल्दी बोलिए, वरुण, जितनपुरी, उमामा, हरीशा, शमीम, बशीर, सारे लोग बताएं केएसपी लिखने का तरीका आया सबको? केएसपी लिखने का तरीका सबको समझ में आया? कंपाउंड को आयंस में ब्रेक कीजिए, और इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जो मैं अभी आपको कराऊंगा, समझा कि नहीं? और एनसीईआरटी में तो सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट पर इतने ज्यादा क्वेश्चन, खुद एनसीईआरटी में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, खुद एनसीईआरटी में, तो उसी के बेसिस पर आपको लेक्चर दिया जाएगा, ठीक है? जिनको नोट करना, एक मिनट का टाइम है, नोट करें। अरे वरुण सिंह, आपको समझ में आया? वरुण सिंह, वरुण सिंह, प्लीज एक्सप्लेन, आपको समझ में आया? तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपको मैं बहुत बेसिक क्वेश्चन दूंगा, और मुझे आप करके दिखाएंगे। एक्सप्रेशन Ca3PO42 है आपके पास, ठीक है? राइट द रिलेशन बिटवीन KSP एंड सॉलिबिलिटी। आप मुझे लिख कर दिखाएं। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे भाई, सारे लोग लिख कर दिखाएं। पहला काम देखो, मैं जानबूझ के दिया हूं, पहला काम ब्रेक करो, 3 Ca+2 और 2 PO4 3-, तो केएसपी से कंटू क्या लिखोगे? Ca+2 का होल क्यूब एंड PO4 3- का होल स्क्वायर। अब यहाँ 3s और यहाँ क्या हो जाएगा? 2s, तो केएसपी से कंटू 3s का होल क्यूब इंटू 2s का होल स्क्वायर। शायद इसी तरह वरुण लिखियो, बोलो 27 × 8 × s⁵5। C
CA3CA+2 2 3S है, क्या 4 क्या पूछ रहा भाई? S पे पावर क्यूब है और S पे पावर 2 है। एक मिनट, हाँ, ये 27 × 4 × S पे पावर 5। यस बोलो, आया सबको समझ में? बोलो बोलो, आया? Ksp of Ag2CrO4 is 256 × 10⁻¹². Calculate its solubility in water. चलिए जल्दी करके दिखाइए। 64 × 10⁻⁶ मोल पर लीटर, 4 × 10⁻⁴ मोल पर लीटर सी, 4 × 10⁻³ मोल पर लीटर डी, 16 × 10⁻⁴ मोल पर लीटर। चलिए जल्दी बनाइए। जितन पुरी, वरुण, उमामा, सब लोग आंसर दें, आयंस में ब्रेक करें, इसलिए पहले आसान क्वेश्चन कराया जा रहा है। आमना नैयर का समाध और अफान, वरुण सिंह, जितन पुरी, सब लोग आंसर दें प्लीज। दमन, बशीर अहमद, अदीशा, नबीला, सूफिया, थैंक यू। हाँ, बी इज द करेक्ट आंसर। पहला काम आपके पास ये है कि Ag2CrO4 को ब्रेक करें, 2Ag+ और CrO4 2-। क्लियर है? तो 2s और s है। अभी आपने पढ़ा केएसपी Ag+ का होल स्क्वायर इनटू CrO4 2-। तो 2s का होल स्क्वायर इनटू s, केएसपी इज इक्वल टू 4s। पहली बात तो ये आपको आना चाहिए। अब आपके पास 256 × 10⁻¹² × 4s³, तो 4 से कैंसिल, s इज इक्वल टू 4 × 10⁻⁴ मोल पर लीटर। अच्छा सुनिए, आपको एक बात और जान बुझे है आसान, यही दे देगा यहाँ पर सॉलिबिलिटी ना लिखकर कहेगा मोलारिटी निकालो, तो यही मोलारिटी भी हो गई। लैंग्वेज चेंज करके मोलारिटी की भी यूनिट क्या होती है? मोल पर लीटर। कंफ्यूज नहीं होंगे, या तो सॉलिबिलिटी कहेगा या कहेगा मोल पर लीटर निकालो। क्लियर? कंफ्यूजन दूर हुआ? सबको समझ में आ गया? जी बताइए, सबको समझ में आ गया?
रिस्पॉन्स तो दो। सबको समझ में आ गया? अब देखो इसका स्टैंडर्ड, देखो यहाँ द केएसपी फॉर एजी टू सीआरओ फोर इज 1.1×10-12। कैलकुलेट इट्स सॉलिबिलिटी इन 0.1 mm AgNO3। ये आपको दे रहा है ये ऑप्शन 1.1×10-12, B×10-4, C×1.1×10-10। सब में कैपिटल एम कैपिटल एम कैपिटल एम, आराम से बना के दिखाओ। 1.1×10-8 कैपिटल एम। यहाँ वाटर के अंदर नहीं पूछा है, यहाँ आपको पूछा है ओके जल्दी करें जल्दी। देखिए सी आंसर इज द करेक्ट। देखिए इसमें गौर से सुनिए सारे लोग, ये कॉमन आई एन इफेक्ट है, 2Ag+ or CO4 2-। सारे लोग देखें, उमामा अरिशा जितनपुरी वरुण, और आपके पास AgNO3 है, Ag+ or NO3-।
आपको मालूम है ये 2s है, ये s है, ये पूरी तरह ब्रेक हो गया तो 0.1m, 0.1m। जैसे इसको इसके अंदर डाला गया तो देखो कॉमन आयन जिसको आपने केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ा साइमल्टेनियसली इक्विलिब्रियम, तो ये देखिए एनसीईआरटी में है, इसलिए साइमल्टेनियसली इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी में लिखा हुआ नहीं मिलेगा आपको, लेकिन देखिए आयनिक इक्विलिब्रियम में यही बात केमिकल इक्विलिब्रियम में भी था। तो आप बताओ एजी प्लस का जो न्यू कंसंट्रेशन होगा वो क्या हो जाएगा, 2s प्लस 0.1। देखिए मैंने आपको बताया, मैं प्रूफ भी कर सकता हूं, लेकिन पहले देखिए सॉलिबिलिटी स्प्रिंगली सोल्यूबल सॉल्ट की क्या होती है, बहुत ही कम। s क्या है, बहुत ही कम है, तो आप इसको ये भी लिख सकते हैं 0.1। मैं बताऊंगा। और CrO4 2 माइनस की सॉलिबिलिटी क्या हो जाएगी, s। अब आपके पास देखिए केएसपी इज इक्वल टू क्या होगा, ए जी प्लस का होल स्क्वायर इंटू CrO4 2 माइनस। अब केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ चुके हैं के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मेन इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर दो ही है, टेम्परेचर या स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। इसलिए किसी चीज को ऐड करने पर कुछ भी करने पर केएसपी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो केएसपी वही रहेगा 1.1 10 टू द पावर माइनस 2 0.1 का होल स्क्वायर इनटू एस। अच्छा चलिए अगर आप इसको ना भी हटाइएगा तो देखिए 2s प्लस 0.1 का होल स्क्वायर जब कीजिएगा तो आपके पास क्या क्या आ जाएगा, 4 स्क्वायर, समझा कि नहीं, 0.1 का होल स्क्वायर, समझा कि नहीं, प्लस 4 इंटू एस इंटू 0.1, फिर s से मल्टीप्लाई कीजिएगा, जब s कम है तो उसका होल स्क्वायर फिर होल क्यूब फिर s से मल्टीप्लाई होल स्क्वायर और कम आएगा। इसलिए इससे बचने का तरीका है कि आप यहीं पर 0.1 ले, क्योंकि सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट इज एप्लीकेबल फॉर स्प्रिंगली सोल्युबल सॉल्ट, सॉलिबिलिटी कम होती है और होल स्क्वायर होगी तो और कम हो जाएगी। तो बताइए s स्क्वायर 1.1 10 टू द पावर माइनस 12 बाय 10 टू द पावर माइनस 2 तो 1.1 10 टू द पावर माइनस 10। सारे लोगों को समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए। वरुण, मामा, अरीशा, मोहम्मद शमीम, इट्समी, जितनपुरी, सब लोग बताएं ये कॉमन आयन वाला सबको समझ में आया, कॉमन। एक और क्वेश्चन दे देंगे कंफर्मेशन के लिए, जल्दी बताइए कॉमन आयन वाला सबको समझ में आया, कोई डाउट है तो पूछिए। जितनपुरी, जितनपुरी आपको समझ में आया, अरे वरुण रेस्पॉन्स दो भाई, तुम तो रेस्पॉन्स नहीं दे रहे हो भाई। अच्छा गुड, थैंक यू, थैंक यू, वेरी गुड। तो बस यही करना है, यहाँ पर एस बहुत कम है 0.1, कोई कहेगा हम नेग्लेक्ट नहीं करेंगे तो देखो होल स्क्वायर एस करोगे तो और कम आ जाएगा, इसलिए सिंप्लिसिटी के लिए करना। चलिए इस पर एक क्वेश्चन और एक कंक्लूजन लिखेंगे और उस पर डायरेक्ट कैलकुलेशन से बचना है तो उस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। इसी पर एक क्वेश्चन कीजिए और वरुण, अरीशा, उमामा, जितनपुरी, शमीम, ये सब इसका दमन, सारे लोग इसका आंसर देंगे।
शमीम अरीशा सब लोग आंसर दें। वरुण जितनपुरी आप लोग आंसर दें। उमामा अरीशा शमीम ये लोग आंसर दें। चलिए वेरी गुड। अगेन आप जिसको नहीं समझ में आया भाई, जितनपुरी एजी प्लस सीएल माइनस एस और एस, के सीएल आयनिक कंपाउंड है, के प्लस और सीएल माइनस 0.01 m। मैं जानबूझ के दिया हूँ, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं 0.S+M, आप इसको 0.01 m लिख सकते हैं। के जी प्लस के सी रहेगा तो KSP is equal to AG plus or CL minus S into 0.01, KSP तो सेम रहेगा minus 10, तो S is equal to minus 10 by minus 2, 10 to the power minus 8। अच्छा एक बात सुनिए, यहाँ S कितना आया, मैं एक अब रिजल्ट लिख रहा हूं। अब इससे क्या फायदा होगा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब आप करेंगे आप कैलकुलेशन से बचेंगे। अब इन दो न्यूमेरिकल से क्या बात साबित हुई, तुम गौर से सुनो अच्छे से। जब AgCl वाटर में रहेगा तो देखो, AgCl जब वाटर में रहेगा तो Ag प्लस और Cl माइनस, तो KSP इज इक्वल टू S स्क्वायर होगा, तो S 10 टू द पावर माइनस 5 मोल पर लीटर आएगा। लेकिन यही AgCl की सॉलिबिलिटी KCl में देखो बहुत कम आ गई। देखो 10 टू द पावर माइनस 5 ज्यादा है और 10 टू द पावर माइनस 8 कम। इससे क्या साबित हुआ जो अभी लिखाया जाएगा, ड्यू टू कॉमन आयन अफेक्ट सॉलिबिलिटी ऑफ द सॉल्ट डिक्रीजेस। एक तो थ्योरी भी हो गई, मैथमेटिकली हो गई, और कंसेप्ट से भी समझो, कॉमन आयन की वजह से देखो सीएल माइनस की कंसेंट्रेशन बढ़ेगी, जब बढ़ेगी तो रिएक्शन किधर जाएगा, बैकवर्ड में। रिएक्शन बैकवर्ड में जाने का मतलब हुआ कि सॉलिबिलिटी घट रही है। ये थ्योरी हुई, उसी थ्योरी को प्रैक्टिकली न्यूमेरिकल के जरिए साबित किया गया कि वाटर के अंदर सॉलिबिलिटी 10 टू द पावर माइनस 5 होगी। यही AgCl की सॉलिबिलिटी KCl कॉमन आयन की वजह से बहुत ज्यादा घट जाएगी। अब गौर से सुने अच्छे से, तुम्हें 5 कंपाउंड दे देगा, कहेगा राइट द ऑर्डर ऑफ सॉलिबिलिटी, आप कम टाइम में कैसे निकालेंगे। अब इतना पांचों को कंपाउंड को एसएस निकालने में टाइम लगेगा, तो इस न्यूमेरिकल के जरिए आयनिक का ये बहुत ही फेमस की पॉइंट है जो आपको याद रखना है समझकर। तो ये याद आ गया सबको कि कॉमन आयन की वजह से सॉलिबिलिटी घटती है। ये बात सबको समझ में आई, वरुण जितनपुरी? वाटर के अंदर सॉलिबिलिटी ज्यादा है कॉमन आयन की वजह से। हाँ तो देखो कंक्लूजन, देखो जिसके पास नोट्स है तो उसमें लिखा हुआ है, फिर भी और से सुनो, ड्यू टू कॉमन आयन अफेक्ट, ड्यू टू कॉमन आयन अफेक्ट सॉलिबिलिटी, देखो इधर अच्छे से, सॉलिबिलिटी ऑफ सॉल्ट डिक्रीजेस। आगे का लाइन और से सुनना, एज द कंसंट्रेशन ऑफ कॉमन आयन इंक्रीजेस सॉलिबिलिटी फर्दर डिक्रीजेस। देखो इस पर बहुत ही मैं शानदार ऑब्जेक्टिव दूंगा, कॉमन आयन की वजह, अब देखो KCl है, एक और दे दिया जाता है कॉमन आयन और रहता, तो कॉमन आयन की वजह से सॉलिबिलिटी घटेगी,
लेकिन एज और जितना कंसंट जैसे अभी तुम लिखे 0.01 MKC है और 0.1 MKC है, AgCl की सॉलिबिलिटी S1 और S2 दे देगा, क्या बताओ किसकी सॉलिबिलिटी ज्यादा है? कॉमन आयन है दोनों में घटेगा, AgCl की सॉलिबिलिटी दोनों में घटेगी, ज्यादा किसमें घटेगी? इसमें घटेगी क्योंकि इसमें कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो एज द ये सब लाइन याद रखना है, एज द कंसंट्रेशन ऑफ कॉमन आयन इंक्रीजेस सॉलिबिलिटी फर्दर डिक्रीजेस। और दूसरा लेकिन याद रखो, बट इन द सॉल्यूशन ऑफ NH4OH, ये याद कर लो, दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, सॉलिबिलिटी ऑफ सॉल्ट इंक्रीजेस, फर्दर इंक्रीज होगा, यहां डिक्रीज होगा कॉमन, यहां इंक्रीज होगा, क्यों? गौर से सुने, बिकॉज या ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स बना लेता है, रिएक्शन फॉरवर्ड में चला जाता है। जैसे मिसाल लो AgCl है, ध्यान दो पहले गौर से सुनो, AgCl है Ag+Cl-, मान लो कि ये कंटेनर है, इसमें पहले से अमोनिया गिवन है, अमोनिया बोलो या NH4OH बोलो, बतवा बराबर है, क्योंकि अमोनिया अब वाटर के साथ NH4, अब तुम AgCl को जैसे डाले तो Ag+ क्या करेगा, फर्दर अमोनिया के साथ रिएक्शन करके कॉम्प्लेक्स बना देगा, तो रिएक्शन तेजी से फॉरवर्ड में जाएगा, और रिएक्शन जितना फॉरवर्ड में जाएगा सॉलिबिलिटी बढ़ेगी। ये और इसी पर मैं एक शानदार क्वेश्चन दूंगा, ये याद रखो, एक है वाटर के अंदर सॉलिबिलिटी, एक है कॉमन आयन की वजह से सॉलिबिलिटी, और तीसरा है NH4 अमोनिया कॉम्प्लेक्स। तो सबसे ज्यादा सॉलिबिलिटी होती है या क्या कहते हैं इसको, कॉम्प्लेक्स अमोनिया वाले में NH4OH, उसके बाद होती है वाटर, उसके बाद होती है, सबसे कम सॉलिबिलिटी होती है कॉमन आयन। बोलो 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 बोलो, आया ये कंसेप्ट सबको समझ में आया या नहीं आया, जल्दी बोलो। कॉमन, अब यहाँ कॉमन आयन नहीं है, यहाँ कंटेनर के अंदर पहले से अमोनिया मौजूद है, और तुम पढ़ चुके हो DF ब्लॉक में Ag+ हैज ग्रेटर टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स। अरे यार कोई बोल ही नहीं रहा है, कुछ तो बोलिए भाई, अब जब तुम समझ गए तो मैं इस पर ऑब्जेक्टिव नहीं दूं, अच्छा चलो ऑब्जेक्टिव ही दे देता हूं, अब तुम लोग इसमें तुम क्वेश्चन करके दिखाओगे, देखो जिन्होंने नहीं लिखा लिख लें, जिसके पास नोट्स है उसमें ये सब लिखा हुआ है, नोट्स लेने से फायदा होगा आपको। ये इंपॉर्टेंट लाइन था कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। अब देखिए आपको मैं क्वेश्चन देता हूं, सपोज द सॉलिबिलिटी, सपोज द सॉलिबिलिटी ऑफ AgCl इन 0.01 MnaCl, 0.01 MCaCl2, 0.01 MCaCl2, 0.01 MnH4OH, 0.05 MAgNO3, and water R S1, S2, S3, S4 and S5 respectively, ये आपके पास है। Write the correct order, और आराम से सोच समझ के write the correct order of solubility of AgCl। A option
S1, S2, S3, S4, S5. B, S5, S4, S3, S2, S1. क्लियर है? वरुण जितनपुरी सबका आंसर आना चाहिए। ओके दिस इज करेक्ट। देखो सी ऑप्शन सही है। देखो क्यों, एस थ्री देख लो, एस थ्री किस में है, एनएच फोर एच, इसमें सबसे ज्यादा सॉलिबिलिटी। एस फाइव किस में है, वाटर में। अब देखो ये दोनों देखो कॉमन आयन तो तीनों में है, तो दो का आंसर तो सही हो गया। तो बी ए बी तो है नहीं है, डी है नहीं, एस थ्री एस फाइव। अब देखो और से सुनो, मैंने जो लिखाया है कॉमन आयन की वजह से सॉलिबिलिटी करती है। अब तुम खुद सोचो, CN माइनस की कंसंट्रेशन 0.01 NaCl में, और CaCl2 में 2 इंटू 0.01 0.02 ये CaCl2 में आया। अभी क्या बताया गया, एज द कंसंट्रेशन ऑफ कॉमन आयन इंक्रीजेस सॉलिबिलिटी फर्दर डिक्रीजेस, इसीलिए सबसे ज्यादा आपको कहा गया S3 है फिर S5 है, समझा। उसके बाद आप देख लीजिए कि सबसे ज्यादा जो कंसंट्रेशन है कॉमन आयन का वो किस में है। उसके बाद S1 में सबसे कम है,
समझा, एस वन में सबसे कम है, उसके बाद एस टू, एस फोर, एस फोर में 0.05 है। तो इस तरह लॉजिक लगाएगा तो आपका टाइम बचेगा। ये सब रिजल्ट आप पढ़ के समझ कर प्रैक्टिस कर कर याद समझेंगे तो आपका टाइम बचेगा, वरना बहुत सारे लोग इसी में कंफ्यूज होकर केसेस निकालने लगेंगे, हर केसेस में एस निकालेंगे। याद रखना है कॉमन आए। अब देखो सारे लोग, एक आसान क्वेश्चन देता हूँ, फिर एक स्टैंडर्ड हम आपको सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का देंगे, कल तक खत्म भी हो जाएगा और जीओसी मैं शुरू करूंगा। जीओसी सब लोग पढ़ के आइएगा, क्योंकि जीओसी सारे लोग 11th में पढ़ा है, 12th में सब में पढ़ा है, तो जीओसी पढ़ के आइएगा, जो नई चीज होगी वो समझा देंगे। जिनका नंबर मेरे पास आ चुका है, मैं जीओसी का नोट्स भेज दूंगा। उसके बाद हाइड्रोकार्बन, क्वेश्चन ये है, द केएसपी ऑफ MgS2 इज, MgOS2 इज 32 × 10−12। कैलकुलेट द pH ऑफ सॉल्यूशन एट 25°C। ये बना के बताएं। आपके पास 9.4, डी नन ऑफ दीज। अब्बास बहुत फास्ट कर लिए यार, तुम बहुत अच्छे आदमी हो यार, माशाल्लाह माशाल्लाह। मामा का भी आंसर आ गया, बताइए माशाल्लाह। अच्छा हाँ, देखिए पहला काम क्या कीजिए, पहला काम आपके पास है 11.7, देखिए अफान का आया, यहां देखिए पहली बात MgOH2 है, Mg+2+2OHr- S एंड 2S। केएसपी सेकंड टू 4S³ अभी पढ़े हो, 32 × 10−12, 4S³ 8 कैंसिल, S सेकंड टू 2 × 10−4। अब बताओ OH माइनस की कंसंट्रेशन क्या होगी, 2S, 4 × 10−4, तो POH इज सेकंड टू −log 4 × 10−4, −log 4 0.6 और +4 कितना हो जाएगा भाई 3.4।
अब पीएच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 14 माइनस 3.4 कितना हो जाएगा 10.6। बी ऑप्शन इज करेक्ट। रे अफान तुम्हारा क्यों ऐसे गड़बड़ आंसर आया, बताओ बताओ, सबको समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बोलिए। अरे इसकी मैथ है फिर भी नहीं कुछ आ रहा है इसको, ये जिंदगी में क्या करेगा अल्लाह ही मालूम। आप देखो एक लैंग्वेज थोड़ा टफ है लेकिन क्वेश्चन बनाना आसान है। देखो क्वेश्चन देखो, द केएसपी ऑफ MgOH2 at 25 degree Celsius is 1 into 10 to the power minus 11. At what pH? मैं question change करके दे रहा हूँ। At what pH Mg plus 2 ion will precipitating in the form of MgS2 from a solution containing 0.01 mg plus 2। क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझिएगा आपको बहुत आसान लगेगा। 8, 9, 10, 11 जी MgOH2 है, MgOH2 MgOH2 है। कोशिश कीजिए सारे लोग, कोशिश कीजिए। अच्छा सी आंसर आया, माशाल्लाह बहुत अच्छे आदमी हैं आप लोग, बहुत बेहतरीन आदमी हैं आप लोग, माशाल्लाह माशाल्लाह।
सुनिए यहाँ देखिए, जब ये प्रेसिपिटेट बना रहा है तो देखिए MgOH2 है आपके पास, Mg+2 एंड 2H- है आपके पास, उस सॉल्यूशन से बना रहा है तो Ksp तो सेम ही रहेगा। कितना है Ksp इज इक्वल टू Mg+2, सारे लोग ध्यान दो, एंड OH- का होल स्क्वायर। आपके पास कितना है 10^-11 है, Mg+2 10^-3 है, और OH- का होल स्क्वायर। OH- का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10^-8 10^-4 सॉरी तो OH- इज इक्वल टू हो जाएगा 10^-4। अब बताओ POH कितना हो जाएगा 4, तो pH कितना हो जाएगा 40 - 4 10। ये आंसर आएगा भाई। सी आंसर, सबका सी समझ में आया? बोलिए सी आया कि नहीं आया, जल्दी बोलिए, सबको सी समझ में आया? थैंक यू। चलिए अब आइए, तो देखो केएसपी के बारे में इतनी बातें याद रखोगे, अब देखो गौर से सुनो अच्छे से। अब हमें तुम्हें दो दो थ्योरी एक साथ पढ़ाऊंगा आज के अभी के लेक्चर में, गौर से सुनो। पहली बात बफर सॉल्यूशन, पहले थ्योरी को मजबूत करो, थ्योरी पर भी डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। एक तो है कि कुछ लोग एग्जांपल को समझ के तुम बफर समझ जाओगे, लेकिन कुछ ऐसा टिपिकल एग्जांपल देगा जिसमें स्टूडेंट को लगता नहीं है कि ये बफर होगा, तो आप इसके डिफिनेशन को समझें गौर से सुने। पहले डिफिनेशन, बफर सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि मान लीजिए कोई आपके पास सॉल्यूशन है और अगर आप उसमें एसिड या बेस या वाटर कुछ भी डालेंगे तो पीएच की वैल्यू चेंज नहीं रहती है। बाय मैथमेटिकली न्यूमेरिकल भी एक ऐसा मैं दूंगा जिसमें जो बफर, आप पहले इसका पीएच निकाल लीजिए, अब मान लीजिए कुछ एसिड ऐड कीजिए उसका पीएच निकाल लीजिए, तो डेल्टा पीएच जो है वो 0.0 में आता है, बहुत ही माइनर, इतना नेग्लिजिबल चेंज होता है कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए डिफिनेशन में गौर से सुनिए कि बफर सॉल्यूशंस क्या होता है, कि द सॉल्यूशन विच, जिनके नोट्स में लिखा हुआ बस वो देखें, विच रेजिस्ट द चेंज, पहले समझें विच रेजिस्ट द चेंज इन द वैल्यू ऑफ पीएच, इन द वैल्यू ऑफ पीएच, इन द वैल्यू ऑफ पीएच, तब तो आगे का लाइन बाय द एडिशन, by the addition of a small amount, ये line important, a small amount of a strong acid या strong base, ये हर book में लिखा रहता है small, a small numerical approach के लिए जरूरी है। तो वो solution जो के resist करता है pH की value को change होने से, हम उसको क्या कहते हैं, buffer solution कहते हैं। समझ बात आ रही है कि नहीं? तो लेकिन यही तुम्हें स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस बहुत ज्यादा लोगे तो फिर चेंज हो जाएगा, इसलिए डिफिनेशन। और मैथमेटिकली समझो जो स्मॉल अमाउंट में होता है वो पूरी तरह कंज्यूम्ड हो जाता है, कंज्यूम को लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं, जीरो, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप ज्यादा यही ले लेंगे तो
पीएच की वैल्यू चेंज होगी, इसलिए जो हम लोग खाना फूड आइटम खाते हैं हमारा ब्लड का जो पीएच होता है वो 7 point something रहता है, मेंटेन रहता है। अब बहुत ज्यादा टू एसिडिक खाना खा लेंगे तो आपका पीएच बहुत ज्यादा चेंज हो जाएगा। इसलिए ये जो लाइंस ऑफ डिफिनेशन देखिए 11th में हम लोग ऊपर ऊपर पढ़ते हैं, लेकिन ये डिफिनेशन ही न्यूमेरिकल की का एकदम जान है, ये स्मॉल अमाउंट। तो बफर सॉल्यूशन इसी को कहते हैं। जैसे अब देखिए गौर से सुनिए, एग्जांपल को देखिए सारे लोग। तो पहले बताइए बफर सॉल्यूशन, तो डिफिनेशन सबको आता भी था, आपको याद भी हो गया, द सॉल्यूशन व्हिच रेजिस्ट द चेंज इन द वैल्यू ऑफ द पीएच बाय द एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। अब देखो बफर सॉल्यूशन दो तरह का होता है, एक होता है एसिडिक बफर होता है। एसिडिक बफर की पहचान होती है एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड सॉरी वीक एसिड प्लस कंजुगेट बेस, या उसी को लैंग्वेज के फॉर्म में कहते हैं वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट विथ ए स्ट्रॉन्ग बेस। अब जैसे देखो नंबर वन एसिडिक एसिड लिए तो तुम इसका कंजुगेट बेस बना दो H प्लस को हटाकर, तो ये हो जाएगा, तो ये एसिडिक बफर हो गया। इसी को कहीं पर लिखा रहता है CH3COH, और यहां पर तुम कुछ भी Na पोटेशियम मिला दो तो ये सॉल्ट हो गया। आपको ये देखिए कंजुगेट बेस को देखिए कॉमन आया। उसी तरह आपके पास HCN वीक एसिड है, इसका कंजुगेट बेस CN माइनस ले लो, एसिडिक बफर। H3PO4 वीक एसिड है, इसका कंजुगेट बेस ले लो H2PO4 माइनस। बोलो यहां तक समझ में आया, बोलो थ्योरी प्लीज, सारे लोग रिस्पॉन्स दो, जो लोग ओमामा अरीशा वगैरह वगैरह बताएं, वरुण जितनपुरी, बफर सॉल्यूशंस क्या होता है, एसिडिक बफर की पहचान वीक एसिड एंड कंजुगेट बेस, अरे बोलिए ना। वरुण जितनपुरी अरीशा ओमामा सबको समझ में आया। हाँ मैंने कहा एसिडिक बफर इज द मिक्सचर ऑफ वीक एसिड एंड कंजुगेट बेस। तो जैसे तुम वीक एसिड लिए वरुण, उसका कंजुगेट बेस बना दो। कंजुगेट बेस क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस से H प्लस हटाने के बाद कंजुगेट बेस, समझे। जैसे मैंने अभी मिसाल नहीं दी, एसिडिक एसिड है वरुण, तो इसका कंजुगेट बेस क्या होगा, CH3CO-. इसी को कहीं पर लिखा रहता है CH3COH प्लस CH3 कूना, वही लिखा है कंजुगेट बेस। तभी देखो सॉल्ट है, कंजुगेट बेस है, इस तरह भी लिखा रहता है, या अनुसय एसिडिक बफर इस तरह भी लिखा रहा है एसिडिक बफर। समझ में बात आई, CN है तो इसका कंजुगेट बेस क्या होगा, CN माइनस, H हटा दो। इसी को कहीं पर सॉल्ट के फॉर्म में, आयन को सॉल्ट के फॉर्म में लिखे हुआ होगा। बोलिए बोलिए आया वरुण, आप देखो एक फॉर्मूला आता है जो आपको डायरेक्ट याद रखना है, और क्वेश्चन को समझने का मैं तरीका बताऊंगा। एक फॉर्मूला आता है हेंडरसन फॉर्मूला, पीएच इज इक्वल टू पीके, इस पर बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन रहते हैं, प्लस लॉग सॉल्ट की, पहले तो फॉर्मूला याद कर लो, सॉल्ट बाय एसिड की कंसंट्रेशन, दिस इज द एसिडिक बफर। एसिडिक बफर का फॉर्मूला पीएच इज इक्वल टू, तो इसलिए याद रखो पीएच का फॉर्मूला सिर्फ माइनस लॉग एच प्लस नहीं होता, ये किसका होता है, एसिडिक या बेसिक सॉल्यूशन में निकालते हैं। अगर बफर सॉल्यूशन है उसका पीएच ये होता है। हम कैसे समझेंगे वो बफर है क्या है, उस सब हम आपको समझाएंगे। अभी सेपरेटली पढ़ाया जा रहा है कि अगर बफर है तो उसका पीएच आप इस तरह निकालेंगे एसिडिक बफर का। अब देखो यहाँ सारे लोग बेसिक बफर का बताना। बेसिक बफर क्या होता है, सिंपल, V
वीक बेस, वरुण देखो वीक बेस एंड कंजुगेट एसिड प्लस वीक बेस प्लस इट्स सॉल्ट विथ ए स्ट्रॉन्ग एसिड। अब जैसे कोई भी वीक बेस ले लो, NH4OH है, NH4OH, इसका OH हटा दो, दिस इज बेसिक बफर, कहीं कहीं पर लिखा रहेगा NH4OH एंड NH4Cl। आपके पास अमोनिया है, इसका बेस कंजुगेट एसिड बना लो। कंजुगेट एसिड बनाने का तरीका या तो H प्लस ऐड कर दो या OH हटा दो। आपके पास पैराडीन है, प्लस पैराडीन में तुम H प्लस जोड़ दो, NH तो ये सब बेसिक बफर हुआ। बेसिक बफर का जो हेंडरसन फॉर्मूला होता है POH is equal to PKB plus salt by base. This is the basic buffer. This is the basic buffer. बोलो आया? तो basic buffer की पहचान weak base and its salt with a strong acid. या simple weak base and conjugate acid. ये आपकी पहचान है। हाँ हाँ POH is equal to PKB plus log salt by base, ये लिखिएगा, है कि नहीं? अगर छूट गया होगा तो चेंज कर लीजिएगा, PKA is equal to log salt by acid, ये ठीक है, कंफ्यूजन दूर हो गया। अच्छा अब मैं आपको एक ट्रिक्स लिखा देता हूँ, और से सुनिए, बेसिक बफर का आपको अच्छा बेसिक चलिए एक क्वेश्चन मैं देता हूँ, फिर चेक करता हूँ किसका दिमाग तेज है, कौन बताता है कि भाई बफर सॉल्यूशन को पहचानने का तरीका क्या है, बफर सॉल्यूशन को आप कैसे पहचानेंगे, समझा कि नहीं? क्वेश्चन लिखे एक्वस सॉल्यूशन ऑफ KOH HNO3 एसिटिक एसिड एंड CH3 कूना ऑफ identical concentration are provided. The pair of solution which forms a buffer upon mixing. A part HNO3 CH3 COH. B part KOH CH3 Kuna. C part HNO3 plus CH3 Kuna. D CH3 COH CH3 Kuna. बहुत आसान क्वेश्चन है, जल्दी बताओ, इसलिए पहले आसान क्वेश्चन बैक की तरफ भी जाना चाहिए स्टूडेंट की नजर। वरुण सिंह का आंसर आया, बाकी और सब लोग आंसर दें। समद का आंसर डी, वेरी गुड। दमन का भी डी, ठीक है। देखो डी डी तो बफर है, आप सोचोगे तो सी भी बफर है।
मैं इसलिए क्वेश्चन दिया, एक मिनट, सी और डी दोनों बफर है। अब देखो इसलिए कह रहे हैं डिफिनेशन अच्छे से पढ़ना है, और से सुनो अच्छे से प्लीज। यहाँ पर पहले लैंग्वेज को देखो क्या लिख रहा है, द पेयर ऑफ सॉल्यूशन विच फॉर्म्स अ बफर। अगर यहाँ पर लैंग्वेज होता विच मस्ट, तो ये दोनों देखो ये तो ऑलरेडी बफर है। देखो कैसे पहचाने, वीक एसिड एंड कंजुगेट में, सर ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, कैसे बफर हो गया? तो हो सकता है, देखो कैसे हो सकता है, नॉट मस्ट बी, कैसे? डिफिनेशन पर आओ, और ये लाइन की लाइन है न्यूमेरिकल का, ये लाइन पढ़ लोगे ना तो तुम्हें आयनिक इक्विलिब्रियम में बफर सॉल्यूशन को पहचानने में कभी गलती नहीं होगी। याद रखो इन एसिड बेस मिक्सचर इफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस आर लिमिटिंग रिएजेंट हो जाए देन इट मस्ट बी बफर सॉल्यूशन, देन इट मस्ट बी बफर। याद रखो, मान लो एक बात मिसाल देता हूं, HCl और NaOH है, सॉल्यूशन बनाया, जानते हो इसमें तीन फॉर्मूला लग सकता है, यहाँ सिंपल pH भी लग सकता है, यहाँ सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का भी लग सकता है, बफर भी का लग सकता है। तो हम कैसे पहचानेंगे? तो यहां देख लो एसिड बेस में मान लो कि ये HCl है और NaOH है, या मैंने वीक बेस ले लिया और ये कंज्यूम्ड हो गया, NH4Cl, खुद सोचो जब ये कंज्यूम्ड हो गया तो बताओ सॉल्यूशन के अंदर ये भी है ये भी है, तो देखो बफर तो बन रहा है ना, वही हाल यहां पर है। इसलिए डिफिनेशन में क्या लिखा गया, स्मॉल अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। जैसे देखो HNO3 है प्लस CH3 कूना है, और से सुनो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, तो क्या बना देगा CH3 प्लस NaNO3। देखो अगर ये लिमिटिंग रिएजेंट हो जाए तो क्या हो जाएगा, जीरो। तो कंटेनर में ये रहेगा कि नहीं, जब ये रहेगा तो ये एसिडिक बफर होगा, मे बी एसिडिक बफर। अगर ये जीरो हो गया तो एसिडिक बफर बन रहा है, हाँ इसलिए लिखा गया विच फॉर्म्स एसिडिक बफर, हो सकता है। हाँ अगर वहां पर रहता विच मस्ट तो फिर डी आंसर आता, लेकिन मस्ट कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, कौन ऐसा सोल्यूशन है जो बफर बना सकता है। तो याद रखो कि अगर सॉल्ट और स्ट्रॉन्ग एसिड दिया हुआ, दोबारा सुनो, एक है कि ऑलरेडी बफर है, डी वाले आंसर को क्या बोलोगे, ऑलरेडी बफर, वीक एसिड कंजुगेट बेस, दिस इज कॉल्ड ऑलरेडी बफर, ये ऑलरेडी बफर नहीं है, बन सकता है बफर अगर HNO3 लिमिटिंग रिएजेंट हो जाए, और यही सब न्यूमेरिकल में देगा आपको, जो मैं आपको सिखाऊंगा ये ट्रिक्स याद रखो, कभी आपको बफर में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो एसिड बेस मिक्सचर में अगर स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस लिमिटिंग रिएजेंट हो जाए तो हमेशा वो बफर होगा, और उसमें बफर का फॉर्मूला भी लगेगा, तो इट मे बी बफर, बाकी दो तो नहीं हो सकता, एसिड एसिड के साथ रिएक्शन नहीं कर सकता। So this is very very important. D वाला already buffer है, और जब तुम्हें strong acid और salt दे दे तो सतर्क रहना, हो सकता है। बोलो जो मैंने concept समझाया वो समझ में आया या नहीं आया, बोलो बोलो बोलो। बोलो बोलो बोलो। अरे यार तुम लोग बोलते नहीं हो यार, वाह वाह करना चाहिए, तुम लोग बोलते नहीं हो, अच्छा कंसेप्ट समझा देता हूं तुम लोग बोलते नहीं हो। तो ये याद रखें, हाँ तो इस स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस लिमिटिंग रिएजेंट हो जाए तो याद रखो पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन इज कैलकुलेटेड, ये कंसेप्ट याद रखो।
एक है कि ऑलरेडी बफर है, ऑलरेडी बफर की क्या पहचान है, डिफिनेशन, वीक एसिड कंजुगेट बेस, इसमें तो आंख बंद करके बोलो बफर है, जिसको लैंग्वेज याद रखो ऑलरेडी बफर। और कभी कभी अगर स्ट्रॉन्ग एसिड वगैरह सब दे दे तो चेक कर लो, रिएक्शन लिखो और चेक कर लो, अगर ये लिमिटिंग रिएजेंट है तो ये तो जीरो हो गया, कंटेनर में ये और वो है तो बन जाएगा। बोलो बोलो बोलो। इसलिए तुम लोग हमेशा याद रखना भाई। हाँ, किसी का डाउट आया है क्या? हाँ वरुण, यस। अगर क्या बीच में भी यहाँ पर कुछ मस्ट और कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, इसलिए सी और डी आंसर है, हो सकता है ना, देख लो, ये तो मैंने कंसेप्ट। हाँ, अगर वही लिखता कि भाई विच मस्ट फॉर्म बफर तो केवल डी होता, विच मस्ट। लेकिन एक नई चीज मालूम हुई ना इस कंसेप्ट के जरिए, और इसलिए कहते हैं ना डिफिनेशन हम लोगों को अच्छे से पढ़ना चाहिए, बफर सॉल्यूशन की डिफिनेशन, द सॉल्यूशन विच रेजिस्ट द चेंज इन द वैल्यू ऑफ द पीएच, जाके देखना डिफिनेशन में, बाय द एडिशन ऑफ ए स्मॉल अमाउंट ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एसिड और ए स्ट्रॉन्ग बेस। ये स्मॉल अमाउंट क्यों लिखा रहता है, क्यों? अगर ये स्मॉल नहीं रहेगा तो बफर बनेगा ही नहीं। ओके, थैंक यू। बोलो 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 बोलो, आया सबको समझ में? अरे यार तुम लोग बोलो बोलो तो कम से कम। वरुण, नोट्स को तुम पढ़ोगे ना मेरा तो और अच्छा आ जाएगा समझ में। नोट्स को पढ़ डालो आंख बंद करके, समझ समझ के, और प्रीवियस ईयर के प्रॉब्लम अभी यही कामे करो, बस नोट्स पढ़ लो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर डालो, बस तुम्हारा नैया इंशाल्लाह पार हो जाएगा। चलो एक क्वेश्चन देते हैं। इफ 20 ml ऑफ 0.1 m NaOH इज मिक्स्ड विथ 30 ml ऑफ 0.2 m NH4OH सॉल्यूशन, फाइंड द pH ऑफ द सॉल्यूशन। पहले देखो, जब भी क्वेश्चन को करना तो अच्छे से देखना। चले यहां देखिए, एक बात सुनो, कॉन्सेप्ट कैसे लगाओगे गौर से सुनो। देखो इधर सुनो सारे लोग, एसिड को एसिड में मिक्स करो, कोई नो प्रॉब्लम, बेस को बेस में मिक्स करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। जिस न्यूमेरिकल में, प्लीज सारे लोग सुनो,
एसिड प्लस बेस दिया हुआ हो तो सतर्क रहना। यहां पर पीएच माइनस लॉग एच प्लस सिंपल भी हो सकता है, बफर भी हो सकता है, सॉल्ट हाइड्रेशन भी हो सकता है। हाँ, एसिड को एसिड में मिक्स करो कोई बात नहीं, हमेशा एसिड बनेगा। बेस को बेस में मिक्स करो बेस बनेगा। लेकिन एसिड बेस का एग्जांपल जब भी रहे तो तुम पहला काम रिएक्शन लिखो। देखो एसिड बेस है, प्लीज सारे लोग सुनो, NaOH है, यहाँ क्वेश्चन में गलत है ये, एक मिनट ये गलत हो गया, जल्दी में हो गया। यहाँ तुम एसिटिक एसिड लिखो, आप कर डालोगे, बोलो आप कर डालोगे। चलो मैं समझा ही देता हूँ, चलो सुनो सारे लोग सुनो, ये करेक्शन कर लो, सारे लोग करेक्शन कर लो, आप सुनो अच्छे से। तो जब भी एसिड बेस रहे, तो तुम सबसे पहले तुम रिएक्शन लिखो। हाँ ठीक है, यहां देखो सबसे पहला काम, यहां देखो एसिड बेस में पहला काम रिएक्शन लिखो। अब देखो 20 × 0.1 है, कितना हो जाएगा 2। यहां इसका मोल है 13 × 0.26। अब देखो ये कंज्यूम्ड हो जाएगा जीरो, तो ये कितना बचेगा, 6 − 2 कितना बचेगा, 4। सॉल्ट कितना बनेगा, 2। ये पीएच निकालने का तरीका याद रखो, एसिड बेस रहे पहला काम इस तरह लिखो। अब बताओ स्ट्रॉन्ग बेस जब लिमिटिंग रिएजेंट हो जाए तो समझ जाओ ये बफर सॉल्यूशन है। जब भी एसिड बेस का रहे तो आप हर क्वेश्चन को इसी तरह करेंगे, ये बफर है। अगर दोनों कंज्यूम्ड हो जाता ना तो ये मैं पढ़ाऊंगा आगे, जब दोनों लिमिटिंग रिएजेंट हो जाता तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का फॉर्मूला लगता। दोबारा सुनो अच्छे से, बच्चे जो कहते हैं ना हमें आयनिक नहीं समझ में आता है, तो पढ़ने का तरीका सीख लें अच्छे से। एसिड बेस में अगर स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस लिमिटिंग हो तो बफर, एसिड बेस में दोनों लिमिटिंग हो तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। तीसरा क्या हो सकता है कि सर ये लिमिटिंग हो जाए ये बच जाए, तो बस ये स्ट्रॉन्ग बेस बच गया तो डायरेक्ट पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग, वो एसिडिक या बेसिक सॉल्यूशन होगा, ना वो बफर होगा ना वो सॉल्ट होगा। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस बच जाए, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस बच जाए तो या तो वो सिंपल एसिडिक, बेसिक उसमें पीएच माइनस लॉग एच प्लस से निकलेगा। दोनों लिमिटिंग हो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस लिमिटिंग हो बफर, ये तीन लाइन याद रखो। अब आइए कि ये बफर है, बफर का मतलब क्या हुआ, एसिडिक या नहीं, कौन सा बफर है भाई, एसिडिक बफर है। तो पीएच इज इक्वल टू पीके प्लस लॉग सॉल्ट बाई एसिड, और से सुनो अच्छे से, पीके 4.74 है प्लस सॉल्ट, सॉल्ट कितना है 2, ये मिली मोल है। लेकिन चलो ऊपर नीचे मिली मोल कैंसिल हो जाएगा, वॉल्यूम कैंसिल हो जाएगा, लेकिन एक्चुअल लेने का क्या तरीका, मैं कंसेप्ट समझा देता हूँ। 2 × 10⁻³ बाय वॉल्यूम डिवाइड, तो वॉल्यूम कैंसिल, तो कुछ लेने की जरूरत नहीं है, तो मिली मोल में भी कन्वर्ट करने की नहीं है डायरेक्ट, क्योंकि ऊपर नीचे वॉल्यूम सेम रहेगा, कैंसिल, 2/4 हो जाएगा लॉग 2/4 4.74 log 1/2 4.74 minus log 2 4.74 minus 0.3 4.74 0.3 4.44 4.44 4.44 volt, none of these
बोलो बोलो ये कॉन्सेप्ट सबको अच्छे से आया कि नहीं। और जब भी मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, एसिड बेस का मिक्सचर जब दे, एसिड बेस का जब मिक्सचर दे तो आप इसी तरह क्वेश्चन को करेंगे। बोलो वरुण जितनपुरी समझ में आया या नहीं आया? बोलिए प्लीज, सारे लोग बोलिए समझ में आया, बोलिए बोलिए बोलिए। चलिए ओके, बाय बाय, टाटा, थैंक यू वेरी मच। अब वरुण नेक्स्ट क्लास में, चलिए नेक्स्ट क्लास में डाउट, चलिए।